हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लॉन्ग जैकेट स्टाइल कुर्ती फॉर लहंगा, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड नेट ली हुई है जो है 2.5 मीटर, और उसके साथ मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जो है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4-4 कर लिया है। ये है हमारा बेस का फैब्रिक। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7.5 इंचेस। 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है कॉलर के लिए। आर्म होल में लूँगी 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। चेस्ट का आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 14 इंचेस, और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 9 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, आर्म होल हमने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पे हमें एक मार्कर लेना है। अब यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो इस तरह से ये हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ में लूंगी 2.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। हमें इसे कट करना है, और देखिए बैक की लेंथ में लो रखूँगी 2 इंचेस। तो यहाँ पे एक और नेक ड्रॉ करेंगे, वो होगा हमारा बैक का नेक। तो सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें बैक पार्ट को निकाल देना है, और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस अच्छे से हम 2 फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें नेक पार्ट को कट करना है। ये देखिए, हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। अभी हमारा नेट का फैब्रिक है, मैंने प्रिंटेड नेट ली हुई है जो मैंने राइट साइड पे रखी है। उसके ऊपर बेस फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है इस तरह से, और हम इसे एज इट इज कट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रखा है ऐसे हम इसे कट कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। तो ये देखिए, हमने टॉप पार्ट को इस तरह से कट कर लिया है। अब देखिए, ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसे हमें वापस दोनों को साथ में 2 फोल्ड करना है, और यहाँ पे हम कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने फ्रंट का पार्ट इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है, ये हमारा नेट का फैब्रिक है, और ये ब्रॉडनेस मैंने ली है 9 इंचेस। अब 3 इंचेस डाउन पर हमें इस तरह से मार्क करना है, और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 21 इंचेस, और यहाँ पे लेनी है हमें स्लीव्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। और यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है, और इस तरह की हमारे पास 2 स्लीव्स है। अब देखिए, बॉटम का पार्ट कट करने के लिए मैंने नेट को 2 फोल्ड किया हुआ है, और ये 2 फोल्ड मैंने लिया है 21 इंचेस जितना। तो सबसे पहले हम बैक का बॉटम कट करेंगे। तो जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करके हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है, और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। ये लेंथ मैंने ली है 38 इंचेस। तो इस तरह से हमें इस पार्ट को कट कर लेना है। देखिए, इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। अब देखिए, फ्रंट का बॉटम कट करने के लिए मैंने फिर से 2/4 में लिया हुआ है नेट को, और जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें इस तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पे भी हमें मार्क कर लेना है, और इस पॉइंट को भी हमें हल्का सा क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है नीचे तक। इसकी भी लेंथ मैंने रखी है 38 इंचेस, और इस तरफ से भी हमें
हल्का सा स्ट्रेट, उसके बाद हल्का सा क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो फ्रंट से ये हमारा ओपन रहेगा, दोनों लाइन को हमें कट करना है। तो फ्रंट के लिए हमने इस तरह का बॉटम कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास दो पीस है, इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का बॉटम। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर नेट का फैब्रिक मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिप को रखेंगे। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिप को रखते हुए सिलाई कर लेना है दोनों तरफ। देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब हमें इसे बैक साइड पे इस तरह से टर्न करना है और बैक साइड पे हम इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो एक तरफ हमें स्ट्रिप को अंदर फोल्ड कर लेना है और एक तरफ की स्ट्रिप को हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये होगी हमारी बाहर की स्ट्रिप और एक तरफ हम अंदर स्ट्रिप को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है बैक साइड पर। तो इसके ऊपर ये पार्ट हमारा ओवरलैप होगा। यह हमारा बैक का पार्ट, मैंने राइट साइड पे दोनों को अरेंज कर लिया है। अब इस पार्ट को हमें टॉप पार्ट जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उस पर हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे करेंगे हम शोल्डर फिटिंग। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम कॉलर की लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ से हमें कॉलर की लेंथ मार्क करनी है। तो इस तरह से हम कॉलर की लेंथ को मेजर करेंगे। तो यहाँ तक इसकी लेंथ है 15 इंचेस, तो 16 इंचेस के हम स्ट्रिप कट करेंगे। तो इस तरह की दो स्ट्रिप हमने कट कर ली है जिसकी लेंथ मैंने रखी है 16 इंचेस। अब एक के ऊपर दूसरी को हम इस तरह से रखेंगे, दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें दोनों को साथ में रॉन्ग साइड पे टू फोल्ड करना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। इस तरह से हमने कॉलर तैयार कर लिया है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हमें हल्का सा पार्ट ओपन कर लेना है, उसके बाद हम एक तरफ से कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक तरफ से हमें कॉलर को सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेना है पूरी लेंथ में। तो यहाँ से यहाँ तक हम कॉलर को लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें बैक साइड पे फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से पूरी लेंथ में आपको फोल्ड करके सिलाई कर लेना है यहाँ तक। ये देखिए हमने इस तरह से बैक साइड पे सिलाई लगा के इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये हमारा राइट पार्ट है, तो स्लीव्स को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और सेंटर से हम स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा के स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। उसी तरह से दूसरी स्लीव्स को हम इस तरफ लगाएंगे। तो इसे भी हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे भी हम दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करना है। स्लीव्स को मैंने ज्वाइन कर लिया है और मैंने स्लीव्स की बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो यह है हमारा फ्रंट का बॉटम। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हम बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। पूरी लेंथ में आपको डबल फोल्ड करना है दोनों तरफ। मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें
लेस को लगाना है, तो पूरी लेंथ में हम सिलाई लगा के लेस को यहाँ पे फिक्स करेंगे। लेस को मैंने फिक्स कर दिया है। अभी हमारा टॉप का पार्ट है जिसके ऊपर हमें बॉटम का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। उसी तरह से हमें इस तरफ भी उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट के साथ बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए, तो इसे अच्छे से हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट पार्ट लेना है, तो यहाँ पे चेस्ट पार्ट मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का आपका जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसे 1 इंच ऐड कर लीजिए सिंगल आर्म्स के लिए। और यहाँ पे हमें लेनी है कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 15 इंचेस। और दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4.5 इंचेस और इस पॉइंट को हमें एक्सटेंड कर लेना है यहाँ तक। और ये जो हमारा कमर का पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक, तो 1 इंच के डिफरेंस के नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। उसी तरह से हमें इस तरफ भी फिटिंग करनी है यहाँ तक, और उसके बाद हमें इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है। तो देखिए, फिटिंग करके मैंने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो इसे आप सिंपली बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है पूरी लेंथ में। ये देखिए, हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। और यही इसका फाइनल लुक। आप इसे लहंगे के साथ इस तरह से इसे पेयर कर सकते हैं, इस तरह से इसका लुक आएगा। आप चाहे तो इसे जींस के साथ भी पहन सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।